हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग के केस में चिप का एरिया क्या होता है और चिप का वॉल्यूम क्या होता है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इससे पहले का जितना भी क्लासेस हैं वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो भी हमारा मशीनिंग प्रोसेस है उसको जो हम लोग टू डी डायमेंशनल में जो बनाते हैं वो इसका फिगर कुछ इस प्रकार से रहता है। ठीक है, इसमें से आप लोगों को पता होगा कि अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं। तो ये हमारा जो है वो हमारा वर्क पीस है। एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा चीफ है। ठीक है ना, जो मशीनिंग के बाद बाहर आ रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होता है, टूल लगा हुआ होता है। ठीक है, ये जो पार्ट है वो जिसका मशीनिंग होगा उसको हम लोग अनकट चिप थिकनेस बोलते हैं, T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ कट। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं विड्थ ऑफ कट। ठीक है ना, कितना विड्थ में मशीनिंग हो रहा है। ठीक है ना, वर्क पीस का कितना विड्थ में मशीनिंग हो रहा है उसको हम लोग विड्थ ऑफ कट बोलते हैं, और कितना डेप्थ तक मशीनिंग हो रहा है उसको हम लोग डेप्थ ऑफ कट बोलते हैं। इसको T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, या फिर अनकट चिप थिकनेस बोलते हैं T1 को। तो अगर हम ये जो हमारा चिप है मशीनिंग के बाद, ये चिप हमारा ऊपर बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है ना, तो इस चिप का अगर हम लेंथ का बात करें, ठीक है, तो इसको कुछ यहाँ से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे L। ठीक है ना, L क्या है, हमारा चिप का लेंथ है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, ये जो पार्ट है पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T2 चिप थिकनेस बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे देखना है कि अगर मुझे क्वेश्चन में आ जाए कि चिप का वॉल्यूम क्या होगा, कैसे निकालेंगे, और चिप का जो मुझे मतलब एरिया होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ चिप का, वॉल्यूम ऑफ चिप। फिर बात करेंगे, पहले बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ चिप, एरिया ऑफ चिप। ठीक है, तो मुझे ये जो चिप है इस चिप का एरिया निकालना है। ठीक है ना, तो मुझे सब कुछ मालूम है कि T1 जो हमारा वो अनकट चिप थिकनेस है, डेप्थ ऑफ कट है, W हमारा विड्थ ऑफ कट है, और L हमारा चिप का लेंथ है, और T2 हमारा चिप का थिकनेस है। ठीक है ना, अगर ये सब आपको और डिटेल से समझना है तो इससे पहले वाला वीडियो है उसको आप एक बार प्रेफर करें। ठीक है, उसमें अच्छे से समझाए हुए हैं। तो अभी मुझे इस जो चिप निकल रहा है, इस चिप का मुझे एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये हमारा मुझे एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है, तो T2 इंटू विड्थ, ये जो विड्थ है, यही मतलब ये जो पोर्शन है ये इसका क्या है, W है। एक मिनट, ये जो पोर्शन है इसका W है, मतलब ये W क्या, विड्थ ऑफ कट है। ठीक है ना, विड्थ है, तो ये वाला पार्ट को हम लोग W बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्ट हमारा T2 है ना, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो है वो हमारा W है, विड्थ ऑफ कट है। ठीक, कितना विड्थ तक मशीनिंग हो रहा है, तो विड्थ ऑफ कट मतलब एरिया ऑफ चिप निकालना है, तो W इंटू T2 कर लेंगे, तो W इंटू T2। ठीक है, W क्या है हमारा, विड्थ ऑफ कट, और T2 क्या है हमारा, चिप थिकनेस। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अगर मुझे चिप का वॉल्यूम निकालना हो, ठीक है ना, चिप का वॉल्यूम निकालना हो, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है ना, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो अभी हमको ये जो चिप है इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो इसका एरिया क्या होता है, W इंटू T2, ये W विड्थ ऑफ कट, W इंटू T2। ठीक है ना, तो एरिया क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया क्या है, T2 है इंटू W, और लेंथ क्या है इसका, L। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, T2 W L। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ चिप, और एरिया ऑफ चिप T2 इंटू W। ठीक है, हाईलाइट कर लेंगे इसको। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ चिप इज इक्वल्स टू T2 इंटू W, और एरिया ऑफ चिप इज इक्वल टू W इंटू T2। ठीक है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा से समझ में आया हो तो
तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार का वीडियो जो है इस चैनल पे अपडेट किए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू।